पानी पानी हो गया तो लीकेज हो गया ना इसका मतलब। IIT रुड़की जाके खेला हुआ उनके संग्राम में, और फिर SNU शिवनाडर यूनिवर्सिटी नोएडा में है, वहाँ का सर जो उनका एनुअल फेस्ट है वहाँ खेला है। उसके बाद ISM धनबाद जिनका जिनके फेस्ट का नाम पराक्रम है स्पोर्ट्स फेस्ट, और हमारा IIT BHU का स्पर्धा। तो इसमें से IIT रुड़की में मैं कोई भी मेडल नहीं हासिल कर पाया था, मैं शॉर्ट पुट डिस्कस दोनों में फोर्थ पोजिश शॉर्ट पुट में फिफ्थ और डिस्कस में फोर्थ पोजीशन पे था, और SNU में मेरा एक सिल्वर एक गोल्ड, शॉर्ट पुट में गोल्ड डिस्कस में सिल्वर था, पराक्रम में डिस्कस में सिल्वर और शॉर्ट पुट में गोल्ड था, और स्पर्धा जो कि हमारा ATBHU का एनुअल फेस्ट है उसमें भी मेरा गोल्ड था शॉर्ट पुट के अंदर। सारी डिस्टेंसेज सारी जगह डिस्टेंसेज वेरी कर रही थी 9.80 मीटर से लेके 10.90 मीटर के बीच में, ये रेंज है मेरी शॉर्ट पुट की, और डिस्कस की जो मेरी रेंज है अभी वो 25 मीटर से लेके 30 मीटर के बीच में है, जिसमें अभी तक का मेरा पर्सनल बेस्ट 30.04 मीटर है। आप कितना देर एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट को कितना समय देते हैं? वर्कआउट देखिए डिपेंड करता है, जैसे आज का छः दिन में से अभी जैसे ऑफ सीजन चल रहा है तो इसमें 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, वेट ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, 3 दिन की वेट ट्रेनिंग है, 1 दिन प्लायोमेट्रिक्स जंप वगैरह करते हैं, और 2 दिन थ्रो होता है। बेसिकली हम थ्रो सैटरडे को और ट्यूसडे को या वेडनेसडे को रखते हैं। कभी कभी अभी जैसे बारिश का मौसम है तो कई बार इस चीज़ को प्लान को चेंज भी करना पड़ता है, तो आगे पीछे उसमें कर लिया जाता है। अच्छा, डाइट का कितना है? जैसे आप ITBHU के स्टूडेंट हैं, पढ़ाई का प्रेशर, फिर खेल का प्रेशर? खेल तो मतलब पैशन के साथ खेला जाता है, तो खेल में इतना प्रेशर नहीं है, वो तो अपने मन है उसको कुछ जीत हासिल करने का, कहीं जाके अच्छा खेलने का, 4 लोगों से मिलने का और अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से मिलने का, तो वो कहीं ना कहीं वो पैशन के करके कभी दबाव ऐसा नहीं रहा है खेल के प्रति। पढ़ाई के प्रति भी इतना कोई दबाव नहीं रहा है, जब पढ़े हैं तो अब IIT में हैं और होपफुली प्लेसमेंट भी लगी जाएगी, उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा डाइट का कितना ख्याल रखते हैं आप? डाइट तो देखिए मैं ऐसे अभी का फ़िलहाल अपना वेट कम कर रहा हूँ, मैं 115 किलो का था अभी से 2 महीने पहले, तो अभी फ़िलहाल मेरा वेट 108 किलो है, मैंने 7 किलो के आसपास घटाया है लगभग 40 से 45 दिन में। इसमें चीट मील्स भी शामिल हैं, चीट मील्स का मतलब कभी ना कभी बाहर से कोई चाइनीज़ आइटम वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह, ये जैसे कि शुगरी चीज़ खा ली। इसमें मैंने जैसे अभी आम का सीज़न है तो मैंने सबसे पहले आम का ही परहेज़ किया था कि आम और उसके जो शेक्स वगैरह हैं जो अभी मिलते हैं उससे दूर रहना है, और फ्रूट्स को अभी जामुन मिल रहा है तो जामुन काफ़ी खाया है और अभी आम से तो दूर ही हैं। जहाँ तक रही डाइट की बात, उसमें नॉन वेज वगैरह अगर आप इंक्लूड करना चाहें तो एग्स वगैरह कभी कभी वीकली हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं अपने डाइट में, बाहर से बॉयल एग्स वगैरह या फिर ऑमलेट वगैरह खा लेते हैं। दूध और चिकन? दूध जो है, दूध अभी मैं दूध का इतना सेवन नहीं करता हूँ, पहले जब मैं 12वीं वगैरह में था तब सेवन काफ़ी अच्छा था, दिन का करीब 1 से 1.5 लीटर का भी सेवन रहा है मेरा दूध को लेके। तो अभी फ़िलहाल मैं घी के ऊपर मतलब ज़्यादा वो रखता हूँ, कि घी में तेजस्वी रखता हूँ कि हमें घी मिले, भले ही वो 1500 रुपये किलो मिले, 1500 रुपये किलो में 1400 रुपये यूजुअली अभी रेट, क्योंकि आप 600 रुपये किलो भी घी को पा सकते हैं मार्केट के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं 1200 रुपये से लेके 1500 रुपये घी को जब लेंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें जो मिश्रण की मात्रा है वो बिल्कुल ना मात्र होगी या फिर 1% ऐसा आप मान सकते हैं। तो मैं ग्वालों से ही, जो आसपास में जितने भी गाय वगैरह रखने वाले लोग हैं उन लोगों से कांटेक्ट करके और उनसे घी लेता हूँ डायरेक्ट, भले ही उनसे कम मिलता है लेकिन शुद्ध मिलता है, पैसे भले ही ज़्यादा देने पड़ते हों लेकिन शुद्धि के आगे, क्वालिटी के आगे पैसे की उतनी कीमत नहीं है। जैसे आप तो कई मेडल्स जीत चुके हैं, स्वर्ण पदक भी शामिल हैं, तो जो नए लड़के अभी खेलने जा रहे हैं या खेल रहे हैं उनके लिए क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें इन चीज़ों का ख्याल रखें? एक टेक्निकल भी हैं क्योंकि आप ITBHU हैं। देखिए जैसे कि जो लोग खेल के प्रति जो खेल ही कर रहे हैं बच्चे, जिन्होंने राज्य स्तर पे या फिर राष्ट्रीय स्तर पे या फिर स्टेट लेवल के भी कोई कैंप लगाए हुए हैं, मैं उन खिलाड़ियों में से नहीं हूँ। मैंने नॉर्मली स्कूलिंग की, अपना ग्रेजुएशन किया, उसके बाद यहाँ अब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो वो दिलचस्पी कहीं ना कहीं स्कूल से बनी हुई है, स्कूल से स्पोर्ट्स वगैरह करते आया हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हाथ में थी कि पहले से इस चीज़ को समझ आता था हमें कि
ये चीज़ ऐसे करनी है ऐसे करनी है, और यहाँ पे कोचेस के कारण सारी चीज़ें पता चली कि और भी उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। जो नए खिलाड़ी हैं जो कि मतलब स्टडी के साथ खेल को रखना चाहते हैं, दो तीन चीज़ें उसमें ख्याल रखना है कि कभी भी खेल ऐसा चुने जिसमें आपको तेजस्वी हो, ना कि आप आसपास के पीयर प्रेशर या फिर लोगों के करके अपने खेल को मतलब परस्यू कर रहे हैं। मतलब वो ज़रूरी नहीं है, आप सभी लोग जो हैं वो खेल को खेल के भावना से ही देखें। उसमें अगर आप नए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा, कंसिस्टेंट रहिए। वही चीज़ है, आपको डिसिप्लिन पंचुअलिटी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एक जर्नल खरीद लीजिए, उस जर्नल के अंदर डेली की प्रोग्रेस उसके अंदर नोट डाउन करते रहिए, तो कहीं ना कहीं वो विद इन स्पैन ऑफ 6 मंथ्स या फिर 1 साल के अंदर आपको कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि खामियां या फिर जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आपको उस जर्नल के अंदर ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि वो आपके द्वारा ही लिखी हुई होगी। आपका नाम और मेरा नाम शिवेंद्र प्रताप है, मैं बलिया का निवासी हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।